अब जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वाउचर। वाउचर को हम लोग हिंदी में प्रमाणक बोलते हैं। अब ये क्या होता है, आइए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, चीज़ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसको आसानी से समझने के लिए उसका एक डिफिनेशन होता है, और डिफिनेशन कम से कम शब्दों में सारे चीज़ों को स्पष्ट कर देता है। इसका डिफिनेशन क्या कहता है समझिए। ए वाउचर इज ए सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट दैट आइदर अलाउ यू टू परचेज समथिंग और प्रूफ दैट यू पेड फॉर समथिंग। ये जो वाउचर होता है ये आपको अनुमति देता है कि आपने किसी से कुछ प्रोडक्ट परचेज करा है और उसके बदले में आपने कुछ अमाउंट पे किया है। अब देखिए, अगर वाउचर नहीं रहेगा तो क्या क्या दिक्कत होगा भैया, किसी भी बिजनेस में देखते होंगे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है, सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है वो बिल का दिया जाता है। आप जैसे सपोज करिए, आप बुक के दुकान पे गए और वहाँ से आपने कोई बुक खरीदा, अब कलो करके अगर आपको बुक रिटर्न करना होगा तो क्या सबूत है आपके पास, क्या प्रमाण है कि आपने ये बुक इसी शॉप से लिया है? तो उस बुक के दुकानदार के तरफ से आपको एक बिल दिया जाता है और वो जो बिल होता है उसी को हम वाउचर यानी प्रमाणक बोलते हैं। आप मेरे संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या प्रमाण है कि आपने बुलसाई में पढ़ाई किया है, आपने एग्जाम दिया है, आपने, तो यहाँ पे आपको कंपनी के तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उसमें मेंशन रहेगा कि हाँ भाई, आपने यहाँ पढ़ा भी है, आपने एग्जाम भी दिया और एग्जाम में आपका इतना नंबर आया भी है। आप जमीन का रसीद होता है, जमीन का पेपर होता है, कोई भी लैंड आपके नाम से है, ये आपका है, इसके लिए क्या सबूत है, उसके लिए पेपर होता है। आपने बैंक में पैसा जमा करा और बैंक के तरफ से आपको मिलता है स्लिप, तो वो स्लिप अगर आपके पास नहीं रहेगा और सपोज कीजिए कि आपके अकाउंट में किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से पैसा नहीं आ पाया, जमा नहीं हो पाया, तो आप कैसे क्लेम करोगे कि हाँ जी मैंने आपको पैसा दिया था? तो उसके लिए आपके पास स्लिप होता है। बैंक से पैसा निकालने के लिए आप चेक देते हैं, ये चेक हो गया, बिल हो गया, या फिर आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वहां पे इनवॉइस मिलता है, जो बिल होता है, जमीन का रसीद हो गया, इन सारे डॉक्यूमेंट को प्रमाणक यानी वाउचर बोला जाता है, जो जरूरत पड़ने पर आप प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपको बोले कि नहीं ये प्रोडक्ट आप मेरे शॉप से नहीं खरीदे हैं, ये जमीन आपके नाम से नहीं है, आपने बैंक में पैसा नहीं जमा किया है, तो इन केस में आपको ये प्रमाण दिखाना होता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि भैया बोलने का कोई वैल्यू नहीं है, उसका लिखित रूप में कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। जब किसी पे केस होता है तो वहाँ पे भी पेपर मांगा जाता है सबूत के तौर पे कि हाँ भाई कुछ एविडेंस होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। तो ये जो आपका प्रमाणक है, ये वाउचर है, इसी तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूफ करता है, ये प्रमाणित करता है कि ये प्रोडक्ट आपने खरीदा है, इसी दुकान से खरीदा है, या आपने बैंक में पैसा जमा किया है, या जमीन आपके नाम से है, या ये फ्लैट आपके नाम से है, या ये संस्था आपके नाम से है, या आपने इस चीज़ का रजिस्ट्रेशन अपने हिसाब से करवाया है। किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, प्रमाण करने के लिए कि हाँ ये आपका है और आपने इसके लिए कुछ पेड किया है, इस चीज़ को जितने भी डॉक्यूमेंट के द्वारा बताया जाता है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम वाउचर यानी प्रमाणक कहते हैं। चलिए, अभी जो मैं आपको वाउचर पढ़ा रहा था उस वाउचर को आप चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, कह रहे हैं वाउचर एक प्रमाण पत्र या दस्तावेज है जो या तो आपको कुछ खरीदने की अनुमति देता है या यह साबित करता है कि आपने किसी चीज़ के लिए भुगतान किया है। एक वाउचर कभी कभी मूल्यवान होता है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ बोला, या तो आपको कुछ खरीदने के लिए अनुमति देता है, जैसे सपोज करिए अगर आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है, ये गिफ्ट वाउचर मिल रहा है तो आपको ये अनुमति देगा कि चलो भाई अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदोगे तो आपको यहाँ पे कुछ छूट मिल जाएगा। और दूसरा चीज कि आपको ये साबित भी करता है कि आपने किसी चीज़ को खरीदा और उसके लिए कुछ पेमेंट करा है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि यह साबित करता है कि आपने किसी चीज़ के लिए भुगतान किया है। अब किसी चीज़ के लिए भुगतान किया मतलब, अब हम अगर दुकान पे गए दवा खरीदे और दवा वाला हमें रिसिप्ट दिया तो वहाँ पे उस पर लिखा रहता है कि मैंने इतना अमाउंट उसे पे किया है, उसी तरह से तो वहाँ पे वो वाउचर हमारा ये काम करेगा, इस काम में आएगा कि हम चाहे तो अगर कभी वो दुकानदार बोलेगा कि आपने पैसा पेमेंट नहीं किया तो हम उसे दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे मेरे पास ये वाउचर है, मैंने आपको पेमेंट किया था। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ कि गिफ्ट वाउचर के रूप में, जैसे वाउचर कई तरह का आता है, गिफ्ट वाउचर होता है, जैसे डिस्काउंट कूपन होता है, आप किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो डिस्काउंट कूपन देता है कि चलो भाई नेक्स्ट टाइम में आप, जैसे कि वाउचर जो होता है वो कई तरह का आता है, जैसे डिस्काउंट कूपन हो गया। आप जैसे मान लेते हैं कि आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आपको एक गिफ्ट वाउचर
डिस्काउंट कूपन मिलता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप परचेजिंग करने आओगे, नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज करने आओगे तो ये गिफ्ट वाउचर लेकर आओगे तो उसमें कुछ आपको कंसेशन हो जाएगा, छूट हो जाएगा। तो ये आपको सामान खरीदने में हेल्प करता है। और जो कुछ भी उसका परसेंटेज होता है फिक्स होता है कि भाई आपको 10% 15% जो भी प्रोडक्ट का आपका कॉस्ट है उस पर आपको इतना कंसेशन हो जाएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो हमारे व्यापार में यूज किया जाता है इसे ही हम प्रमाणक यानी वाउचर कहते हैं।